नमस्कार दोस्तों, हम आज एक ऐसे प्रोग्राम की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है इंडियन फ्रीडम फाइटर। ये उन क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि है जिन्होंने देश की आन बान और शान के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। हम उन्हीं को याद करते हुए उनको प्रणाम करते हैं और इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं उन क्रांतिकारी वीरों से जिन्होंने देश की आन बान शान के लिए अपनी जान तक निछावर कर दी। आज की परिस्थिति की हम तुलना करें तो पहले की परिस्थिति से बहुत ही भिन्न है। आज का आदमी बहुत ज़्यादा स्वार्थी हो गया है, उसे सिर्फ अपने पॉकेट और अपने बारे में ही सोचता है। लेकिन पहले का आदमी ऐसा था, ना तो अपने परिवार की फिक्र करता था, सिर्फ चिंता करता था तो इस देश की, और इस देश की आज़ादी के लिए उन्होंने अपनी जान तक दे दी। जैसे कि चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव, भगत सिंह, ऐसे कई क्रांतिकारी हैं जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर इस देश को आज़ादी दिलाई अंग्रेजों से। आइए हम इसी सिलसिले को जारी रखते हुए हमारे साथ एक बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट हैं, इन्होंने कई ड्रामों में काम किया है और आज हम उन्हीं से चर्चा करेंगे कि वो क्रांतिकारियों के बारे में कितना जानते हैं और उनकी राय क्या है। तो आइए हम मिलते हैं बहुत ही अच्छे एक्टर यूसुफ अली जी से। यूसुफ जी, आप कैसे हैं? मैं ऊपर वाले की मेहरबानी है, अच्छा हूँ, और आप जैसे लोगों की दुआएं मेरे साथ हैं। आज हम फ्रीडम फाइटरों को लेकर एक प्रोग्राम की तैयारी कर रहे हैं। जैसे अभी आपने बताया कि फ्रीडम फाइटर के उससे आप नया प्रोग्राम चालू कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत जो हमारे देशभक्ति लोग थे और जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगा के हमारे देश को आज़ाद करवाने में काफ़ी सहयोग किया, काफ़ी सपोर्ट किया और अपनी जान भी कुर्बान की, तो आज धीरे धीरे वो हिस्ट्री गायब होती चली आ रही है। नई पीढ़ी जो आ रही है इनके बारे में बहुत ही कम लोगों को नॉलेज है, तो आपने इस तरह का जो प्रोग्राम किया है मैं समझता हूँ बहुत अच्छा प्रोग्राम है आपका, कि आप वो क्रांतिकारियों को फिर से लेके आ रहे हैं जिसे आज की जनरेशन को पता चले कि पहले कौन कौन से क्रांतिकारी गुजरे हैं और किन के बल पर हमारा देश आज़ाद हुआ है। तो मैं इसके आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप इस तरह का प्रोग्राम कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप कौन से क्रांतिकारी के बारे में बताएंगे? 26 जनवरी से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि सबसे पहले भीमराव अंबेडकर जी के बारे में स्टार्ट किया जाए, क्योंकि उन्होंने संविधान को लिखा। गणतंत्रता दिवस हम मनाते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की ही देन है। तुम लोग अपनी आंखें क्यों नहीं खोलते? मेरा दिल टुकड़े टुकड़े हो जाता है तुम्हारे इन उदास चेहरों को देखकर और तुम्हारी निराश आवाजों को सुनकर। तुम सिर्फ कराते आ रहे हो हजारों सालों से, पर तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी मजबूरी को अपनी बदकिस्मती समझकर गले लगाने? क्यों जी रहे हो? तुम्हें तो अपनी माँ की कोख में ही मर जाना चाहिए था। जागो, जागो! तुम क्यों दुनिया के दुखों, गरीबी और गुलामी के बोझ को अपनी सोचनी तुच्छ, घृणित और नरक जैसी जिंदगी से और अधिक भारी करते हो? तुम्हारा मर जाना ही बेहतर है। अगर तुम नई जिंदगी शुरू नहीं कर सकते या अपने अंदर नया जोश नहीं भर सकते, जागो। सच तो यह है कि इस देश के किसी भी नागरिक के बराबर, चाहे वो ऊंचा हो या नीचा, तुम्हें भी रोटी, कपड़ा और मकान पाने का जन्मसिद्ध अधिकार है। अगर तुम एक सम्मानजनक जिंदगी जीना चाहते हो तो तुम्हें अपनी मदद खुद करनी होगी, जो सबसे अच्छी मदद है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की सभा में अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे हुए मौलाना मोहम्मद अली साहब ने किसी के सुझाव पर कहा कि अछूतों को हिंदू और मुसलमानों में बराबर बांट दिया जाए। उनकी हिम्मत कैसे हुई है कहने की? क्या हमें बर्दाश्त करेंगे? हमारे गुलामों जैसी लेनदेन होगी? हम कांग्रेस पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? गांधी जो महान समाज सुधारक है उस वक्त जेल में थे और वो चुप रहे। क्या हमें ऐसे मसीहाओं की जरूरत है जो ज्यादा फिक्र करते हैं उन रूढ़िवादी मुसलमानों की, जो मांग करते हैं खिलाफत की? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा प्रस्ताव है कि हम अपनी मुश्किलें हल करने के लिए और अपनी शिकायतें सरकार के सामने रखने के लिए एक खास केंद्रीय संस्था की स्थापना करें, जिसका नाम होगा बहिष्कृत हितकारिणी सभा। अलग अलग जिस वजह से हमारा देश आजाद हुआ, आजादी को दीवानों को जानते हैं या नहीं जानते हैं? एक तरफ आप कह रहे हैं कि पब्लिक भूलती जा रही है धीरे धीरे कि कौन कौन से क्रांतिकारी थे, किस तरीके से उन्होंने देश को आज़ाद करने में सहयोग किया है, तो जब पब्लिक जानती नहीं है तो वो किस तरीके से आपको बताएगी? कुछ लोग तो होंगे जो जानते होंगे, और जो लोग नहीं जानते होंगे उनको हमारे टीवी के माध्यम से
बता दिया जाएगा, यानी पब्लिक को बताएंगे उनके बारे में कि उन्होंने किस तरीके से देश को आज़ाद करने में अपना सहयोग दिया है और उन्होंने क्या देश के आज़ादी में किस तरीके से सहयोग किया है, क्या क्या किया है, किस तरीके से संविधान की उन्होंने रूपरेखा तैयार करी और हमारे देश को आज़ाद करके एक गणतंत्र दिवस के रूप में उसको एक राष्ट्रीय त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, मैं बहुत अच्छा है आपका कि कम से कम आपने इस सब्जेक्ट को लिया और इस सब्जेक्ट के माध्यम से हमारी नई जनरेशन को आप बताएंगे कि क्रांतिकारी किस तरीके से सपोर्ट करते थे, क्रांतिकारी किस तरीके से हमारे देश को आज़ाद करने के लिए उन्होंने कौन कौन सी घटनाएं की, किस तरीके से संविधान को किया, किस तरीके से हमारा देश आज़ाद हुआ। ये आपकी बहुत अच्छी पहल है और मैं ऊपर वाले से दुआ करूँगा कि आपकी ये पहल को आगे बढ़ाई जाए और आप इस लाइन में आगे बढ़ें, तरक्की करें और हमारे देश की जनता इस चीज़ को समझे कि हिस्ट्री क्या है, किस तरीके की क्रांतिकारी थे और उनके दिल के अंदर भी एक अपने देश प्रेम की भावनाएं पैदा हों, देश की सेवा करने लायक बने। क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि आज की जनरेशन देशभक्त तो नहीं रही, देश कहाँ जा रहा है, देश किस तरीके से आगे बढ़ेगा, ये इससे कोई सरोकार नहीं है। तो आपने बहुत अच्छी पहल करी है और मैं चाहता हूँ कि आप इसको और आगे बढ़ाएं, पब्लिक को नए नए क्रांतिकारी के बारे में मालूम हो। और मैं इतना कह के बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपको कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में बुलाया और सभी आप लोगों का धन्यवाद। यूसुफ अली जी, जिनके साथ हमने इस चर्चा आगे बढ़ाया और अब हम आगे की तरफ चलेंगे, जो कि हमारे देश के नेता हैं, कई स्टूडेंट हैं, कई बुजुर्ग हैं, अलग अलग लोकेशन पर अलग अलग जाकर लोगों से ये जानना चाहेंगे कि हमारे देश के क्रांतिकारियों के बारे में लोग कितना जानते हैं। आइए, यहीं पर कुछ बच्चे हैं, आज हम उन्हीं से पूछते हैं कि वो क्रांतिकारियों के बारे में कितना जानते हैं। आपका नाम क्या है जी? हमारा नाम है शारिक खान। शारिक खान जी, आप क्या करते हैं जी? मेडिकल की शॉप पे बैठते हैं। अच्छा, मेडिकल की शॉप पे बैठते हैं, तो आज यहाँ क्या घूमने फिरने के लिए आए हो जी? अच्छा अच्छा, अच्छा। मैं जानना चाहता हूँ कि आप देशभक्तों को किसी को जानते हो जी? थोड़े बहुत को जानते हैं, जैसे अपने लाला लाजपत राय, हाँ, भगत सिंह, हाँ, जैसे रानी लक्ष्मीबाई, ये से कुछ। अच्छा, कुछ लोगों को जानते हैं, तो थोड़ा सा बताएं कि इन लोगों ने अपने देश की आज़ादी के लिए क्या योगदान दिए? इनने अपनी जान पे खेलकर देश को बचाया। तो आप चाहेंगे कि यदि हमारे देश पे कोई विपत्ता आ पड़े तो आप लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग भी अपनी जान पे खेलकर मतलब थोड़ी बचाएंगे। बचाइए जी। चलिए, ये हमारे शारिक बहुत ही होनहार हैं, जिन्होंने ये बोला है कि अगर देश पे कोई विपत्ति आती है तो हम और जान की बाजी लगाकर इस देश को बचाएंगे।